चलिए भाई रुक गए हैं, थैंक यू। नाइन नाइन में शुरू करें। हम लोग जाने लगे हैं कहाँ, भावल नगर। गाड़ी है, चलिए जी गाड़ी में चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है आपकी? हम भी आ रहे हैं रास्ते में। फैमिली सफर कितने किलोमीटर का? 250 किलोमीटर। कितने घंटे में तय कर लेंगे? 2 घंटे में, 3 घंटे में, लेकिन हम 2 घंटे में करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम यहाँ पे रुके हैं पेट्रोल डलवाने गाड़ी में। चलें जी, चल कर डलवाते हैं पेट्रोल। जब तक गाड़ी में पेट्रोल डलता है तब तक मैं और इमाम भाई जाकर कुछ खरीद लेते हैं कुछ खाने के लिए। देख रहे हैं आप सफ़र कितना मज़ेदार सफ़र हो रहा है। और मैं हूँ यहाँ पे। हाँ जी, शॉप है। मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया अपना, फूड ब्लॉगिंग। तो दूसरी वाली वीडियो बनती नहीं खाने वाली, वो ना खाई जाती है। वो वेट खाना ना, हर टाइम काफ़ी सकते हैं कि भाई जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। बस मेरे तो भाई ना भाई ने एक्सपीरियंस है खाने का बहुत ज़्यादा, जैसे फूड खाने का ना, फास्ट फूड का बिल्कुल भी नहीं पता। ये भी नहीं पता पिज्ज़ा बनता कैसे, पिज्ज़ा होता कैसे। पिज्ज़ा नहीं खाया कभी, लेकिन देसी फूड बहुत खाए। तो मैंने सोचा कि मैं भाई के इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जाए। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भावल नगर और हम यहाँ पे खाएंगे मटन। देखते हैं जी मटन कैसा बनता है, मटन ऑर्डर करेंगे अभी यहाँ पे और भी कुछ अच्छा सा खाएंगे मटन। यहाँ का मशहूर मटन है जी। डेढ़ किलो मटन करवाया हमने, 1.5 kg। अब हम गोश्त बनवाएंगे यहाँ पर। ये जी देखें भावल नगर का सबसे मशहूर मटन। ये चलते हैं हम इनकी तरफ, ये लोग बना रहे हैं कढ़ाई, खाना बनाया जा रहा है। वाह सर जी, वीडियो बनाना अलाउ है ना? ये मसला तो नहीं, वीडियो बना सकते हैं ना? आप तभी बना रहे, कितना तो आपको बनाते हुए काम करते हुए फिर भी कितने आपको? 5 साल भाई आपको अभी तो। अच्छा आपकी एज कितनी होगी? एज मेरी है 24 साल। वाह, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ खाना खाने के लिए यहाँ पर, देखते हैं कैसे बनाते हैं। आप सुना, काफी नाम सुना है इसका होटल का? देखें जनाब यहाँ पे तैयार होगा, यहाँ पे इनके मसाले रखे हुए, कितना साफ काम किया जा रहा है। नीड और क्लीन था यहाँ पे, पहले से बनाया जाता है। कटिंग होगी वहाँ पर, यहाँ पे बनाया जाएगा, मसाले वगैरह कटेंगे। यहाँ पे क्या होता है भाई? यहाँ पर बॉइल होता है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा अच्छा कुकर में बॉइल करते हैं। ठीक है, आधा कप बॉइल करना, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें टोटल कितना टाइम लगता है? 40 मिनट, 40 मिनट। अच्छा
और यहाँ पे आप कितना टाइम लग जाता है मॉल वगैरह करने में? जी जी हमारा कोई ट्रेनिंग हो गया डेढ़ किलो पंद्रह कितना सो गया आपको काम करते कितना सो गया आपको काम करते मछली बड़ी कैसे बना रहे हैं चार पाँच साल तो ये काम करते हुए कितना जवान इसी में तकरीबन हो गया 20-22 साल चले जी ये सारे इनके इंटरव्यूज वगैरह हो गए हैं देखते हैं इसके बाद खाना बनता कैसे है आता कैसे हमारे पास इतना प्यारा आएगा कितनी देर तक पहुँचता है उसके बाद फिर आगे करेंगे क्या करना है इमरान भाई वहाँ पे बैठे हैं जी ये रहा मैं खुद यहाँ पे आते हुए अच्छा इमरान भाई मैंने जी सबसे पूछ लिया कितना टाइम है कितना टाइम इमरान भाई 43 ले रहे हो उसको मैं बताने के बाद 43 ले रहे रहते इनका काफ़ी अच्छा लग रहा है मैं भी ट्राई करता हूँ वाओ काफ़ी अच्छा रहता है अच्छा गोश्त आ गया मेरा 1.5 किलो आ गया अच्छा जी अब आप क्या करेंगे इसमें इसके अंदर आप कितने लोग हैं खाने वाले हम हैं चार लोग चार लोग हैं चार लोग के हिसाब से मसाला बना ठीक है जी बनाना शुरू करें अच्छा कम से कम कितनी प्याज डाल रहे हैं जी ओके ये जी मेरा गोश्त आ गया 1.5 किलो वो भाई वहाँ पे प्याज की कड़ी कह रहे हैं स्पीड चेक करो भाई क्या स्पीड है यार माशाल्लाह अच्छा जी हम कढ़ाई में डाल दिया वो गोश्त वहाँ पे चला गया ओके हो गया अच्छा कभी ऐसा हुआ सनी भाई के कुकर फट गया हो अच्छा यार इसका मतलब मुझे दूर दूर रहना चाहिए वाह ठीक हो गया आराम से ये ना फट जाए जी ये मेरा गोश्त हो गया सीधे से गल गया एक मिनट स्टीम निकल गई ठीक हो गया वाह माशाल्लाह ठीक है कढ़ाई दिखाएं साफ ठीक है अभी आगे जाएगा अभी कौन से साथ बनाएंगे अस्सलाम वालेकुम साथ जी कैसे हैं आप मैं वीडियो बना सकता हूँ ना अच्छा ये क्या चीज़ डाली आपने आपने हरी मिर्च डाली ठीक हो गया हरी मिर्च कहाँ से डाली आपने ये मुझे बताइएगा वाह ठीक है अच्छा अब इसके बाद क्या डलेगा इसके अंदर पानी कुछ होगा अच्छा पानी कुछ होगा इसके बाद ठीक हो गया आप बनाएंगे उस्ताद जी बनाएंगे बल्कि आप भी उस्ताद हैं ऐसी माशाल्लाह कितना साल हो गया पाँच साल हो गए अच्छा ये आपने क्या डाला अच्छा ये भाई ने हमारी मोहब्बत में थोड़ा ज़्यादा गोश्त डाल दिया है ना ये जो बकरे का जो गोश्त होता है ना जैसे अब गर्दन हो गई या सीना हो गया ये 5-6 मिनट ज्यादा लेता है प्रेशर ठीक है तो इस वजह से जो सीने का गोश्त होता है ना अगर आपने आ रहे हैं जहाँ पे रोटियाँ बनती हैं ना वहाँ पे देखने के लिए कि रोटियाँ कैसी बनती हैं यहाँ पर यहाँ पे बनती हैं आपने मुझे बताया नहीं अस्सलामुअलैकुम भैया अस्सलामुअलैकुम भैया कैसे हैं आप ठीक हैं भैया वीडियो बना सकता हूँ कोई मसला तो नहीं है वीडियो बना सकता हूँ वीडियो बना सकता हूँ ये यूट्यूब पर डालूंगा किसी को नहीं देनी मैंने ओ नहीं नहीं कुछ नहीं होता सबकी बन रही है वीडियो मैंने पूछ ली अच्छा हाँ साथ रोटी लगा रहे हैं साथ लगा रहे हैं वाह ये जी जी जी
नहीं नहीं ऐसे नहीं नहीं ऐसा कुछ जी। अच्छा ये वाह माशाल्लाह। एक और साठ में हाँ एक और एक और एक और एक और रोड़ियाँ यार ऊपर से घूम कर आओ ना तो ज्यादा मुड़ी लगती उस साइड में लगती। अच्छा घी लगेगा। अच्छा ये वाली कढ़ाई है। अच्छा सासा भी बात आ गई। अच्छा ये घी कैसे डाले आप? घी डालने ठीक हो गया। ये कितना डालोगे? घी कितना घी डालोगे? तकरीबन पाव के करीब? डेढ़ पाव। अब आप इसे मिसाले वगैरह डालने शुरू करेंगे? आपने ग्रेवी ज्यादा रखनी है? आपने चार जी मेरी कढ़ाई यहाँ पे आ गई तैयार होकर। अच्छा जी ऊपर से नीचे आ गई। ओके कैसी लग रही है? ठीक है जी डाल दें। अच्छा घी निकाल रहे हैं अंदर शुरू करो। ओके ठीक हो गया। ये भाई जी हमारी कढ़ाई तैयार होगी। रुको 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 स्लो 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 जी जी रखो। जी जी हमारी कढ़ाई पहुंच गई। रोटी आ रही है जी जी अब आएगी रोटी हमारी। खाना हो गया तैयार। मुझे लग रही है इंतहा की भूख। अच्छा जी ये भाई रोटी ले आए हैं। थैंक यू भैया। हाँ इमरान भाई शुरू करें। मंजूर भाई का वेट हो रहा था। मंजूर भाई बस खाना शुरू करो आ जाएगा। चलें जी खाना आ गया तो वैसे खाने को वेट नहीं करवाते ऐसी ना। शुरू करें। एक चीज में कहना पड़ेगा। जी जी बोले बोले। अच्छा जी ये रोटी वो जो भाई रोटी बना रहे थे ना कितनी प्यारी प्यारी। नहीं शुरू करो तो खाना नहीं करता। काफी गर्म है। नहीं मैंने उन्हें कहा था कि स्पाइसी नहीं बनाना। अच्छा कह दिया। हाँ मैं स्पाइसी नहीं खाता ना। बॉडी देखें बॉडी कितनी जबरदस्त गलाई है इन लोगों ने ना। अब मैं इसे खाने लगा। वाह भाई अच्छा टेस्ट है। अच्छा जी भाई सलाद और रायता और ले आए। थैंक यू भैया। हम खाने लगे हैं खाना। मैं खाना खा लूँ उसके बाद बताता हूँ कैसा था क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अभी बाद में होती है मुलाकात। खत्म कर दिया इमरान भैया ना। खाना बहुत बहुत जबरदस्त बना हुआ था माशाल्लाह। ये देखो ये कढ़ाई की हालत कर दी मैंने। खा 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 नहीं नहीं चले जी वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। ये भैया हम यहाँ के ऑनर के पास चलते हैं। कढ़ाई होगी खत्म और इनकम करते हैं। शुक्रिया अदा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कढ़ाई बहुत बहुत लजीज बनी थी माशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट दोबारा आएंगे और जितने सब देखने वाले हैं इंशाल्लाह वो सब भी आएंगे आपके होटल का विजिट करेंगे। ठीक हो गया भैया दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद को भी जरा ले आऊं। हाँ मैं आने से पता चलेगा बंदा पीछे से बोल रहा है नजर ही नहीं आ रहा। वैसे मैं अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने पेंट नहीं पहनी मैं सिंपल ड्रेस में हूँ। तो ये देखें
आप तो भी आए ठीक है, और गाँव की दरखास्त अभी कॉल आ रही है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।